हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष रवि शर्मा ने आज सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा, अमृत महोत्सव शौर्य यात्रा एवं विश्व में भारत एकमात्र ऐसा जिसमें सर्वाधिक हिंदू शक्ति है। साथ ही आप सभी को यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मां पीताम्बरा पावन धरा दतिया में आजादी की लड़ाई में वीरों के साथ सम्मिलित बलिदान देने में दतिया जिले के युवक और युवतियों द्वारा भी योगदान दिया गया था। हम इस अमृत शौर्य यात्रा हिंदू जागरण मंच द्वारा स्वराज्य के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शौर्य यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी आमंत्रित हैं। दतिया जिले के 20 स्थानों से यात्रा होते हुए जाएगी। प्रारंभ 2 मार्च प्रातः 9 बजे से स्थल बग्घी खाने से प्रारंभ होगी। दिनांक 4 मार्च को शुक्रवार शौर्य यात्रा का समापन वापस आकर बग्घी खाने में होगा। अध्यक्ष रवि शर्मा के साथ प्रेस वार्ता में उदय परमार जिला महामंत्री, भास्कर गोरी जिला उपाध्यक्ष, अंकित समाधिया जिला प्रचार प्रमुख, नीरज शर्मा, प्रशांत सेन अन्य सभी साथी रहे। जी जय श्री राम। हिंदू जागरण मंच दतिया द्वारा अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शौर्य यात्रा निकाली जा रही है, जो कि बग्घी खाने से 2 तारीख को प्रातः 9 बजे प्रारंभ होगी। तो कार द्वारा और रथ और कार द्वारा यह यात्रा पूरे दतिया जिले के लगभग 20 स्थानों तक निकाली जाएगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य है दतिया में रहने वाले, दतिया जिले में जो क्रांतिकारी हुए उनके बारे में हम पूरे दतिया जिले के नागरिक तक जन अभियान बनाकर उन क्रांतिकारियों के बारे में हम दतिया जिले के हर ग्राम तक, हर गांव तक उन लोगों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि दतिया में भगवान दास माहौर जी, राम केशव रामचंद्र चिट्टे जी व नौनेर के परमार साहब, इन सब लोगों के विषय को हम लोगों तक, दतिया में जन जन तक पहुंचाने का हिंदू जागरण मंच ने संकल्प लिया है। हिंदू जागरण मंच ऐसा प्रयास कर रहा है कि जिनको हम भूले हैं या जिन्हें हम दतिया में नहीं जानते हैं, जैसे भगवान दास माहौर जी, केशव रामचंद्र चिट्टे जी, इन लोगों के बारे में हिंदू जागरण मंच अधिक से अधिक गांव में पहुंचकर यात्रा के माध्यम से, 3 दिन की यात्रा के माध्यम से इन लोगों के बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे, जन चेतना लाने का प्रयास करेंगे, जिससे हम अपना इतिहास को भूले ना, ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। यात्रा कहाँ खत्म होगी आपसे? यात्रा दतिया से प्रारंभ होगी और दतिया से प्रारंभ होकर लगभग 20 थाना क्षेत्रों में 2 दिन की 3 दिन की प्रवासी यात्रा है। 2 दिन रात्रि विश्राम करने के बाद बग्घी खाने में ही समापन होगा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।